आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। गुमला जिले में कोरोना के लगातार मरीज मिलने के बावजूद भी यहां के लोग केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है, जिससे बड़े खतरे की आशंका प्रबल हो रही है। गुमला में मुख्य साप्ताहिक बाजार लगने वाले बाजार टाड में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यम लोग का कंफर्म टिकट दिलाने वाले वैश्विक महामारी के तौर पर विख्यात कोरोना वायरस से देश और दुनिया भर में खौफ छाया हुआ है। इसकी रोकथाम के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू है तथा सोशल डिस्टेंसिंग पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है, पर गुमला में आज भी जिस तरीके से मानकों की धज्जियां उड़ी, उससे बड़ी प्रशासनिक चूक उजागर हुई। लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न की आपूर्ति और हरी सब्जी, फल, दूध सुचारू ढंग से उपलब्धता सुनिश्चित कराने का आदेश है। इस क्रम में सभी सब्जी विक्रेताओं को बाजार टाड़ में बैठकर सब्जी बेचने को कहा गया, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। ज्ञात हो कि हाल के दिनों में जिस तरह से कोरोना मरीज पाए गए हैं, इससे लोगों में भय व्याप्त है। 10 संक्रमित लोगों की पुष्टि के बाद लोगों में अफरा तफरी है। जिस तरह से खाद्य सामग्री खरीदने की लोगों में अफरा तफरी मची, काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ के बीच सब्जियों को पहले खरीदने की होड़ में एक बारगी अफरा तफरी मच गई। वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए गुमला के एसपी हरदीप पी जनार्दन ने कहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाएगा। बाजार टाड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने का प्रशासन गंभीर है और आने वाले समय में ड्रोन कैमरा से नजर रखी जाएगी एवं सुरक्षा बल पर्याप्त संख्या में रखे जाएंगे, ताकि किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न न हो। झारखंड के गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। पूछा जाए तो ये पूर्ण रूप से प्रशासन की नाकामयाबी को दर्शाती है। प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, लोग साप्ताहिक हाट में सब्जियां और अपनी जरूरत की चीजें खरीदने जा रही हैं। प्रशासन है लेकिन अमुक मात्र दर्शक बनी हुई है। अभी मामला बढ़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। प्रशासन अगर कोई साप्ताहिक हाट में जाता भी है तो बिना किसी रोक भय के वो जा रहा है, ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना किसी तरह का उनका अपना सेफ्टी का कुछ मामला है। इस पर प्रशासन को कड़ा कदम उठाना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम जो लोग साप्ताहिक हाट में जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का उपयोग करें। अगर प्रशासन इस दिशा में एक सार्थक कदम नहीं उठाती है तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयानक होगी। जो है जनता को भी सोचना चाहिए कि भाई हम लोग दूरी बना करके रखें, सोशल डिस्टेंस करके चले। प्रशासन की ओर से पहले ही अनाउंस हो चुका है, पहले तो ग्रीन जोन था गुमला, लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि धीरे धीरे ऑरेंज जोन से होते होते अब तो लगता है कि रेड जोन में भी चला जाएगा, क्योंकि प्रवासी मजदूर है जो बाहर से आ रहे हैं, वो रोग को यहाँ ले करके फैला रहे हैं। यहाँ प्रशासन को भी देख रहे हैं कि कुछ ढीली मार दिया प्रशासन भी, पहले कुछ टाइट थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा भी कोई पदाधिकारी है जो उतना जैसे पहले फोर्स दिया जाता था वगैरह, अब तो कुछ नहीं है। और लोगों को जागरूक भी उतना देख रहे हैं कि नहीं हो रहा है। इस बाज़ार में तो लग रहा है कि सोशल डिस्टेंस का कोई चीज़ ही है कि भाई रोग कहीं फैल ना जाए। आजकल हमारा यहाँ बाहर से बहुत प्रवासी मजदूर आ रहा है, उसी को लेकर के हम लोग बहुत जगह पर क्वारंटाइन सेंटर भी खोला है, हर जगह सुरक्षा के लिए हम लोग फोर्स दिया है। इसी के कारण थाना में जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए हम लोग जो फोर्स को पहले डिप्लॉय किया हुआ करते थे, वो सब हम लोग यहाँ वहाँ देना पड़ गया है। अब ये साप्ताहिक हाट की बात है तो हम लोग इसको 2-3 हफ्ते पहले से इसको सही ढंग से करने की कोशिश किया गया था, और आज अगर भीड़ वहाँ ज़्यादा हुआ है तो इस पे मैं अभी मेरा संज्ञान में आ गया, तो अगले वर्ष हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि हाट के दिन में मिनिमम वहाँ अच्छा खासा फोर्स रहे। हम लोग अभी ड्रोन और फिर हम लोग निगरानी शुरू करेंगे, उसके बाद अगर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाला लोगों के ऊपर हम लोग कार्रवाई भी करना शुरू करेंगे। अगले बार से हम लोग इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे ठीक ठाक फोर्स रहे, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।